इंदौर में जिला प्रशासन ने 144 के तहत आदेश निकालते हुए चाइनीज मांझे की खरीदी बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर 188 के तहत दंडात्मक कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं। दरअसल चीनी मांझा प्लास्टिक या फिर नायलॉन का बना होता है और इसमें केमिकल के साथ ही कई धातुओं का प्रयोग होता है, जिससे इसकी चपेट में आने से कई लोगों की जान चली गई है। 2 साल पहले चाइनीज मांझे से गला कटने से उज्जैन में एक युवती की मौत हो गई थी। वहीं पिछले साल की ही अगर बात करें तो इंदौर में मुलायम कुर्मी नाम के युवक का भी चाइनीज मांझे से गला कट गया था। देवास, नीमच और रीवा में भी लोग और पंछियां इस मांझे के शिकार हुए हैं और इसी वजह से प्रशासन ने इसके इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। तो प्रशासन द्वारा तो यह आदेश जरूर जारी कर दिया गया है, लेकिन इसके साथ ही एक नागरिक होने के नाते आपका भी कर्तव्य, ये जिम्मेदारी बनती है कि आप जिस चीजों का इस्तेमाल पर, जिस पर बैन किया गया है, उन चीजों का इस्तेमाल ना करें और ना ही उसकी खरीदी करें। इनफैक्ट अगर कहीं आपको इस तरह की चीजें बिकती हुई मिलती हैं तो आप इसकी भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। प्रशासन ने 144 के तहत आदेश निकाला है और चाइनीज मांझे पर बैन किया गया है। आप ना तो चाइनीज मांझा खरीदें ना ही उसका इस्तेमाल करें। चाइना की डोज है ना, बच्चों उनके हाथ कटते हैं और पक्षियों को भी नुकसान होता है और कईयों के गले कट जाएंगे, जिसपे शासन ने बैन लगा दिया है। सर, नुकसान तो है, सब पक्षियों को भी नुकसान है और बच्चों को, बुजुर्गों को, जो भी मार्केट में निकलता तो वो यही सोचता ना। नायलॉन के धागे से पक्षियों को भी नुकसान होता है, तो वो जो भी है जला दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए, तो अभी तो कहीं मार्केट में नहीं है ये धागे। प्रशासन का क्या है, नायलॉन के ऊपर बहुत जोर पड़ा हुआ है, क्या लोग बाग क्या कहने, ग्राहक आ जाए तो दूसरे मोहल्ले में इकट्ठा दे रहे हैं, यानी बेच रहे हैं। मांझे को लेकर कई इंसिडेंट हम लोग के नॉलेज में भी आए हैं, आदेश जारी किए गए हैं और चाइना मांझे का उपयोग ना किया जाए ना वह बेचा जाए, उसके लिए निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही साथ इसकी जांच के लिए टीमें भी गठित की गई हैं, जो मौके पर जांच भी करेंगे और अगर ऐसा विक्रय होता हुआ पाया जाता है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी।